विवियन ने दे दी है चाहत पांडे को वार्निंग। भाई आज जो है बहुत ही ज्यादा चाहत विविन, चाहत विविन, चाहत विविन हुआ हो रहा है, और एपिसोड में जो भी जो है वो भी चाहत विविन जो है वो लगे रहना है, होते ही रहेगा। और जिसके बाद जो है आज सोशल मीडिया पर लोग जो है बहुत ज्यादा भड़कने वाले हैं, काफी ज्यादा बातें जो है सोशल मीडिया पर होने वाली है चाहत वर्सेस विविन। तो अभी आप लोग बताइए कि आप चाहत की साइड साइड से हैं या आप विविन की साइड से हैं। आप लोग ये भी बात बोल सकते हैं कि भाई हमें चाहत भी अच्छी लगती है, विविन भी अच्छा लगता है, पर विविन जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो तरीका अच्छा नहीं लगता, और चाहत भी बीच बीच में गलत कहीं ना कहीं स्टेप उठा देती है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं, न्यूट्रल जो है रह सकते हैं, जैसे कि मैं न्यूट्रल रह के जो है रिव्यू करती हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अब जो है जैसे कि बाथरूम वाली लड़ाई का आप लोगों ने प्रोमो देखा, जिसमें रजत ने भी धमकी दी है विविन को कि उंगली मत दिखा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। वहां पर जो है पहले ही जो है विविन ने हेमा को बोल दिया कि बाथरूम का कंट्रोल मेरे ऊपर है, पर मैंने जो है मुस्कान को जाने दे दिया, पर मुस्कान के बाद मैं किसी को जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगा वो मेरी मर्जी है। पहले ही विविन के दिमाग में ये सब चीजें हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के जरिए पहले ही बता दिया है। इसके बाद जो है विविन जब तड़का लगा के जब किचन में सब चीजें कर रहे थे, तब उस वक्त उन्होंने देखा कि भाई अब जो है चाहत खाना वाना खा के जो है बाथरूम की तरफ भाग गई है। तो इसी चीज को देखने के बाद जो है विविन ने सारा को बोला कि देखो अभी वो भाग गई है, अभी वो घुस जाएगी, अगर वो घुसेगी उसका सामान वामान सब चीजें उठा के जो है स्विमिंग पूल में फेंक दूंगा। और पीछे से आवाज आती है, हाँ पत्थर डाल के फेंक दोगे? बोले हाँ पत्थर डाल के फेंक दूंगा, कि निकाल भी नहीं पाएगी। तो सारा अरफीन जो है भाग के जाती है और कुछ ना कुछ वहां पर चाहत को बोलती है, और चाहत जो है वापस फिर दोबारा से किचन में आ जाती है। तो पहले से ही ये चीज लग रही थी, अभी जो है विविन को नहीं जाने देना है, किसी को भी नहीं जाने देना है। अगर उनकी मर्जी है तो वो जाएंगे। इस वक्त जो है पूरे बाथरूम के ऊपर विविन का कंट्रोल है, विविन का ये कहना है, और पूरे घर वाले जो है विविन की बात मान रहे हैं, कोई भी हो। एक्चुअली में टाइम गॉड जो है यहाँ पर अरफीन नहीं लग रहा है, टाइम गॉड यहाँ पर जो है विविन लग रहा है। विविन बोल रहा है स्ट्राइक करेंगे हम लोग, हड़ताल करेंगे हम लोग, प्रोटेस्ट करेंगे। तो सब लोगों ने हाथ उठा लिया, हाँ विविन हम करेंगे। विविन ने बोला आज दोपहर का ही खाना बनेगा और जितना आया उतना ही खाना बनेगा, पेट भर के खा लो, इसके बाद जो है खाना नहीं मिलने वाला, हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं। सबने बोला हाँ हम करेंगे। तो विविन की बातें जो है सब लोग मान रहे हैं, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार विविन आगे आगे क्या करते हैं। आपका इस गॉसिप को लेके क्या कहना है बताइए जरूर, भड़के हुए हैं पहले से ही, तो उसके बीच में जो है चाहत आके ऐसी चीज करेगी तो अभी क्या बोले भाई, भड़कना फिर बंदे का बनता है या नहीं बनता, या बेफालतू का जो है उंगलीबाजी कर रहा है विविन चाहत पांडे को। अगर प्रोमो देखे तो भाई बहुत ही ज़्यादा उंगलीबाजी की है चाहत पांडे को। अभी कितना सही तरीके से दिखाएंगे बिग बॉस में एपिसोड में, वो चीज़ें तो भाई एपिसोड देख के ही पता चलेगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।